एपल कार केयर से सही बात बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ पी के फ्री आई हुई हैं। ये हेवल है जो हाइब्रिड एडिशन है, ये अभी इसका बेस तैयार नहीं है, अभी हमने सिर्फ डी असम्बल की है गाड़ी। अच्छा, डी असम्बल में होती क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह ये बैक लाइट है, लोगो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास स्केच होता है, सो ये जिस तरह कंपनी स्केच में रख के लगाती है हम भी इसी तरह स्केच में रख के लगाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी। ठीक है, आपका लोगो कोई चेंज नहीं होगा, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होगा, दाएं बाएं नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये इसी तरह इसके डोर हैंडल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, साइड मिरर्स रिमूव हो जाते हैं ताकि ये सिंगल पीस में लगे और आपको जो है ना वो फिनिशिंग नज़र आए। अच्छा, इसी तरह हम अगर अंदर चलते हैं तो ये सामने एक हेवल खड़ी हुई है, ये भी हाइब्रिड है। ठीक है, इसके भी इसी तरह देखें आप, ये डोर हैंडल्स वगैरह रिमूव हो गए हैं, ये साइड मिरर्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, ये फ्यूल टैंक भी रिमूव हो गया और अब इसकी ये डी असम्बलिंग अभी यही चल रही है। अच्छा, डी असम्बलिंग जिससे हम कर रहे होते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी हेवल ही है और इसमें ये पेपर की इंस्टॉलेशन चल रही है इस वक्त। ये देखिए, ये पेपर की इंस्टॉलेशन इसमें हो रही है, ये साइड लग गई है, जिस तरह इसका ये साइड मिरर है। अब ये देख रहे हैं, ये पेपर लग रहा है, ये सिंगल पीस होगा तो इसलिए ये पील नहीं होगा। अच्छा, जब हम डी असम्बल कर रहे होते हैं ना तो हम लोग एक चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं कि जिस तरह अब ये इसकी स्ट्रिप्स वगैरह रिमूव हुई हैं तो ये बड़े तरीके से रखी हुई हैं, फिर इसी तरह जो अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं तो ये लेफ़्ट साइड का सामान नीचे माइक्रोफाइबर लगा के रखा हुआ है, राइट साइड का सामान सेपरेटली रखा है माइक्रोफाइबर लगा के, फिर ये लाइट्स वगैरह रखी हुई हैं, हर चीज़ बड़े तरीके से सेट करके अपनी अपनी जगह के ऊपर रखी हुई है। फिर इन रबर्स का बड़ा ख्याल करते हैं हम लोग, जो ये वॉशर के ऊपर छोटी छोटी सी बारीक सी रबर्स होती हैं ताकि ये डैमेज ना हो, ये डैमेज हो जाती हैं तो फिर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि ये एक हमारे पास गाड़ी खड़ी हुई है एम जी ब्लैक, जो ऑलरेडी पी पी एफ हो चुकी हुई है, अब ये रेडी टू डिलीवर है, थोड़ी देर में इसकी डिलीवरी होगी। और यहाँ पर भी हमारे पास एक हेवल खड़ी हुई है जो एच सिक्स है, इसका भी पी पी एफ हो चुका हुआ है और इसने कल डिलीवर होना है, सो ये अभी ज़रा डस्टी हुई है क्योंकि डोर हमने ओपन किया हुआ है, सो पी पी एफ इस पर लग गया हुआ है कम्प्लीट। ठीक है, पी पी एफ इन दोनों पे लग गया हुआ है, पी सी हेवल पे चल रहा है और इसका भी मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी दो गाड़ियाँ हम डिलीवर कर चुके हुए हैं, जिसमें से एक सोनाटा की ब्लैक और एक कसौन की ब्लैक। ठीक है, सो अगर आपको भी अपनी गाड़ियों पर पी पी एफ करवाना है तो हमारे पास चार ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक सबसे नीचे है मेरेकल जैपनीज ब्रांड है, उसके बाद नैनोटेक है। ठीक है, नैनोटेक के बाद हमारे पास नैनो लिंक भी है, वो भी यूएस का वाइस ब्रदर का ब्रांड है, और फिर हमारे पास टीपीएच में स्टेल्थ का ब्रांड है। ठीक है, चाइनीज़ ब्रांड में हम लोग डील नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ब्रांड का पेपर करवाना चाह रहे हैं, आइदर वो टीपीएच में है, टीपीयू में है, किसी में भी है, आप इम्पेल कार केयर से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और मैं आपको लोकेशन के साथ नंबर फिर दिखा देता हूँ। ये हमारा नंबर है, मेन कैसा टाउन बिलीवर हमारा एड्रेस है, हमारे बिल्कुल ऑपोजिट अटक का और ऑटोटर का पेट्रोल पंप है। ठीक है, जिला